तो इसकी कैपेसिटी तो बहुत है भगने की, पर वो इंडियन नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा के रखते हैं। मुझे भी लगा था स्टार्टिंग में, पहले मैं वो सिटी जैसी तो नहीं भाग रही यार, सब मोर देन सफिशिएंट है जितने होने चाहिए इसमें। सही है, पावर 100 भी चली गई, 120 चली गई। किचन ताने के लिए गाड़ियां नहीं बनी होती वैसे, इतनी नहीं। सही कह रहा हूँ, ये चीज तो मतलब लंबी चलानी तो होंडा बेस्ट है। हाँ वो शॉर्ट पीरियड के लिए ठीक है, अगर आप 4-5 साल के लिए, फिर भैया वो कपड़े फाड़ देती है खर्चे के मारे ना। मैं एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं भाई होंडा एलिवेट के बारे में। जैसा आप लोगों ने थंबनेल में से देख लिया, मेरा ये मानना है कि भाई होंडा एलिवेट में ना देखो सिटी वाला इंजन दिया गया है, 1.5 लीटर का आईवी टेक इंजन जो अपना होंडा हर गाड़ी में दे रहा है अपना आईवी टेक, तो इसमें सिटी वाला इंजन है तो 1.5। तो भाई मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये सिटी वाली परफॉर्मेंस देती है या फिर नहीं देती है। तो इस वीडियो में आपको पूरा यही पता लगेगा कि भाई इसकी कैसी पावर है, ये नॉर्मली सिटी विटी या फिर हाईवे चलने में कैसी है, सिटी से ज़्यादा अच्छी है, सिटी से बेकार है, कैसी है, सारी चीज़ आपको इस वीडियो में पता चलती रहेगी। पूरी वीडियो में पूरा बना रहना। फिर सस्पेंशन देखा पे साउंड, इसमें जो इंजन थ्रस्ट होता है ना वो जानबूझ के रखी गई है। छठा गियर डाल दो, हाँ डाल सकते हो आप। छठा गियर आप 40 की स्पीड भी चला सकते हो। लो गियर शिफ्टिंग आती है इसमें, बार बार गियर नहीं बदलने, एकदम जो इरिटेशन रहता है ना, दो चार बार बार कम करो 40 पे छठा गियर और कम स्पीड कर सकते हो, चलती रहेगी कार, इंजन स्टक नहीं करेगा इतनी जल्दी। हम इसमें 24-25 की स्पीड पे ना फोर्थ गियर यूज कर लेते हैं। अच्छा, अगर और कोई कार होती ना, खट 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 जो इंजन पे लोड पड़ता है ना, नॉक नॉक वो नॉकिंग साउंड आती है बहुत ज्यादा इंजन में से, वो नहीं, इंजन पे बहुत ज्यादा लोड पड़ता है। बाकी इसीलिए तो लोग होंडा लेते हैं, प्रीमियम ड्राइव क्वालिटी अनमैच्ड है इसकी। एक बार जो होंडा यूज कर लेता है उसे जल्दी वो किसी अदर ब्रांड पे स्विच होते नहीं है। रिलायबिलिटी है, इंजन आज भी ऐसा चल रहा है, 10 साल बाद भी इतना स्मूथ चलेगा। मैंने चलाई है 9-9 साल पुरानी, 10-10 साल पुरानी, एकदम बहुत बढ़िया कार चलती है। थोड़ी स्लो है Honda City, थोड़ी स्लो है लग रही है क्या? ये स्लो लग रही है, इस पे हाइट पे सेटिंग है इसकी, फर्क है। सेडान कार में आप जब लोअर सेटिंग पे रहती ना कार, हल्की सी भी स्पीड पकड़ेगी तो आपको लगेगा कि कितनी तेज कार चल रही है। ऐसे भी कार में सेटिंग ऊंची होती है तो आपको लगता है कि तेज तो काफी चल रही है, पर फील नहीं होगा। सेंटर वगैरह ठीक लग रही है, स्टेबिलिटी बहुत, Honda की सारी कार्स बहुत स्टेबल रहती है भाई। लोग मैं आपको देखो सिटी से कंपेयर में पूरा कर दूंगा, क्योंकि मैंने सिटी अच्छी तरह कई बार चला चुकी हूँ, ठीक है। तो सिटी से भाई इसमें क्या अलग है, देखो सिटी वाला इंजन है इसमें आईवी टेक, लेकिन ना दोनों की ट्यूनिंग काफ़ी अलग की गई है इस गाड़ी में। देखो थोड़ी ना पावर आपको लगेगी थोड़ी कम है सिटी से, तो सेडान और एसयूवी का फर्क तो दोनों में आ ही जाता है। सेडान का अलग है और एसयूवी का अलग है। सेडान भाई हवा को काटते हुए बहुत सही से जाती है, लेकिन एसयूवी वो वाली चीज़ अचीव नहीं कर पाती जो सेडान कर देगी। लेकिन ठीक है, लेकिन एसयूवी का अलग मजा है, सेडान का अलग मजा है। लेकिन कहीं ना कहीं पावर का थोड़ा ना इशू लग रहा मुझे इसमें, कि सिटी के हिसाब से थोड़ा कम पावर है इसमें। लेकिन भाई इसके इंजन जो बोनट का होता है ना, जो इंसुलेशन होती है, वो इंसुलेशन इन लोगों ने सही से नहीं दी, ताकि इसका जो स्पोर्टी वाला जो फील है ना गाड़ी का, जो हु इंजन आवाज़ करता है वो ज़्यादा आए। तो आपने भी नोटिस करा होगा जो आज नई होंडा सिटी चला रहे हैं, जो आरपीएम ज़्यादा हाई जाते हैं तो काफ़ी तेज़ आवाज़ आती है। चलो आगे वीडियो में और देखते हैं। बहुत ज्यादा आ जाती है और मेंटेनेंस ज्यादा आता है और इंजन खराब हो जाता है जल्दी, टर्बो वगैरह। मतलब लंबी चलानी तो होंडा बेस्ट है। हाँ वो शॉर्ट पीरियड के लिए ठीक है, अगर आप 4-5 साल के लिए, फिर भैया वो कपड़े फाड़ देती है खर्चे के मारे ना। मैं एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, उसे लोग ले तो लगता है, आती लेना आसान है, वो आप पालना बहुत मुश्किल है। आप ले तो लोगे शौक शौक में, बंदे सेविंग करके ले लेते हैं या फिर जैसा बजट होता है आप उसे ले लें, मतलब बीएमडब्ल्यू लेना के बराबर है। बहुत सर्विस कॉस्टिंग उनकी कार तो बिकती है नहीं इतनी, अभी के 1 लीटर में आई है ना कार, तो लोगों ने सोचा कि अफोर्डेबल प्राइस है तो ले लेते हैं। सही वरना पहले तो आपको पता है कि 100 में से 2-4 गाड़ियां बिकती हैं रोड पे, और होंडा की देखो कितनी पुरानी पुरानी गाड़ियां दिख जाएंगी। होंडा की तो सिटी फेम है बहुत ज्यादा, होंडा की ना लो मेंटेनेंस कॉस्ट है काफी, इसी वजह से है, क्योंकि लो मेंटेनेंस कॉस्ट की वजह से ना लोग ज्यादा, एक तो देखो प्रीमियम भी है और कभी भी आपकी पॉकेट को हार्म नहीं करेगी। 10-5 साल और जितने भी आप जितना टाइम रखोगे आपको फील नहीं आएगा कि आप नॉर्मल सर्विसिंग के अलावा कभी होल लाइफ इंजन वर्क नहीं करा। तो भाई कई तरह के डीलर होते हैं, ठीक है, जो अपने होंडा वाला डीलर था ना, तो एक बंदे होते हैं जो भाई अपनी कंपनी की बड़ाई करते हैं, कोई होते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ाई करते हैं। ये भाई होंडा की देखो बड़ाई तो बहुत ज़्यादा कर रहा था, लेकिन सही भी कर रहा था, ऐसी बात नहीं है। होंडा अपने रिलायबिलिटी की वजह से जानी जाती है, और इनका इंजन जो वीटेक है इनकी वजह से जानी जाती है, और इनकी कंफर्ट ड्राइव जो होती है ना बहुत नेक्स्ट लेवल होती है, इसको कोई अचीव नहीं कर पाया ऐसा। भाई जो सेडान में जो होंडा सिटी की कंफर्ट लेवल है ना,
उसको कोई सेडान अपनी सेगमेंट में बीट नहीं कर पाई है, चाहे कोई वरना आ गई, वर्टस आ गई, कोई सी भी कोई बीट नहीं कर पाई है फिलहाल। तो भाई मैं बताना चाहूँ होंडा एलिवेट की भी ड्राइव काफ़ी अच्छी है, कंफर्टेबल है, लेकिन ना होंडा सिटी वाली देखो बात तो होगी नहीं, क्योंकि वो सेडान है, ये एसयूवी है। इसमें आपको देखो पूरा बोनट का व्यू तो आता है, जैसे आप बैठते हो पूरा क्या नाम है ऐसे ऊँची ऊँची वाली फील आती है, और पूरा बोनट का ओवरव्यू आपको पूरा बढ़िया दिखता है और मस्त लगता है कि हाँ तुम एसयूवी में बैठो। बट ये गाड़ी मुझे लगती है भाई अंडर पावर्ड। अंडर पावर्ड क्यों लग रही है? होंडा सिटी तो भाई बहुत अच्छी भागने में, और ये भी तो होंडा सिटी वाला इंजन है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ भाई क्योंकि इस गाड़ी की जो इंजन की ट्यूनिंग है वो काफ़ी चेंज की गई है इन लोगों ने, इसकी ट्यूनिंग ही अलग है भाई। होंडा सिटी वाली तो बात आ ही नहीं रही इसमें। देखो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन तो भाई देखो फील कराता नहीं है लेकिन इतना भगने में, लेकिन कुछ ज़्यादा अंडर पावर लग रही है। भी नहीं होता क्योंकि पार्ट्स ही नहीं है। आप अगर कोई पार्ट खराब हो गया टर्बो के लिए दो दो तीन तीन महीने गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, पता है सर्विस सेंटर। जर्मन से पार्ट आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, वो इनके तो पार्ट इतने महंगे हैं। पार्ट इतने महंगे कि एक साइड मिरर भी आप फ्री ना जाओगे ना तो भी कम से कम 10-12 हज़ार से ऊपर का आएगा। अच्छा अच्छा। हाँ साइड मिरर की कॉस्ट बता रहा हूँ मैं। एक कस्टमर ने लगवाया ही नहीं, बोले भैया इतने का मैं साइड मिरर का कॉल लगवाऊंगा इतने में तो पूरा मेरा मैकेनिज्म आ जाएगा उसका। सही कह रहा हूँ। बोला तो फिर मैं बिना उसके ब्रेक अच्छी है इस गाड़ी की। इसमें चारों डिस्क है, फ्रंट में डिस्क है, रियर में ड्रम। साउंड बहुत कर रही है बाकी होंडा की जो कार्स होती है वो जनरली कंफर्टेबल ड्राइव्स की होती है, कीचन ताने के लिए गाड़ियां नहीं बनी होती वैसे। इतनी नहीं, सही कह रहा हूँ ये चीज़ तो। हाँ ये वो फर्क है दोनों की, मतलब पर्पस अलग अलग है। हाँ हर ब्रांड के अलग होते हैं। होंडा कंफर्टेबल ड्राइव देती है, लॉन्ग लाइफ इंजन बना के देती है, मतलब चलाने को आप नॉर्मल तरीके से इसे 5 लाख भी चला लोगे ना तो इंजन में कभी वर्क नहीं कराओगे आप। और सेम चीज अदर ब्रांड में 1-1.5 लाख पे इंजन खटक जाते हैं, हमें तो फील नहीं होगी। हमें तो ऐसा है कि तो पावर भी चाहिए थे, पावर सब मोर देन सफिशिएंट है जितने होनी चाहिए इसमें। सही है, पावर 100 भी चली गई, 120 चली गई भाई। सही गाड़ी वाली ठीक नहीं, देखिए ये है कि तुम्हें अगर सही भगानी है तो थोड़ा बहुत भगा भी लो, ऐसी बात नहीं कि कम पावर इसमें। ये एक्चुअली क्या है ना, इसकी जो स्टेजेस होती है ना इंजन की, उसके अकॉर्डिंगली कोडिंग करके देते हैं इसमें, तो इसकी कैपेसिटी तो बहुत है भगने की, पर वो इंडियन नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा के रखते हैं। मुझे भी लगा था स्टार्टिंग में, पहले मैं सिटी जैसी तो नहीं भाग रही यार ये। तो भाई मैं इस वीडियो का कंक्लूजन दूं, भाई मेन इसका कंक्लूजन वीडियो का ये है कि भाई ये सिटी से बेटर है या नहीं है। अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए ना तो परफॉर्मेंस में तो भाई ये कम है सिटी से, लेकिन हाँ इसके काफ़ी प्रैक्टिकल यूज़ है अपने इंडियन रोड्स के हिसाब से कि भाई एक एसयूवी है, एसयूवी का भाई ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा होता है। स्पेस भी भाई देखो, स्पेस पीछे का तो सिटी के मुकाबले कम है इसका स्पेस पीछे से, लेकिन हाँ कंफर्टेबल ड्राइव इसके भी है। देखो आज अगर तुम भाई एसयूवी एक लेना चाहते हो, रिलायबल अच्छी चीज़ चाहते हो, तो ये एसयूवी भाई बहुत अच्छी है आपके लिए। लेकिन इसके भाई जो मैं बताऊं, इसके थोड़े प्राइसिंग थोड़े अप है, और गाड़ियों के हिसाब से इसमें वेरिएंट भी बस 4 ही आते हैं, और आप सीवीटी या फिर इसमें जा सकते हो, उसका गियरबॉक्स सीवीटी आता है अगर ऑटोमेटिक में जाओगे आप लोग तो। इसमें देखो पावर स्पेक्स ना होंडा सिटी ही वाले हैं बिल्कुल, लेकिन चलाओगे तो पता पड़ेगा आपको। तो भाई इसके वेरिएंट से बात करूँ मैं, इसमें आता भाई पहले बेस मॉडल एसवी, फिर आता इसका इसका आता फिर बीच का वेरिएंट वी, फिर आता वीएक्स, फिर आता जेडएक्स। तो जेडएक्स सबसे टॉप मॉडल है, तो इसका भाई वो 18-19 लाख का कॉस्ट करता है और ऑटोमेटिकली लोगे तब। तो भाई ये वीडियो इसी थी कि आपको बताना कि एलिवेट एक कैसी गाड़ी है। परफॉर्मेंस भाई सही है, इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन हाँ आपको अंडर पावर नहीं लगेगी, गाड़ी सही चलती है और बढ़िया है गाड़ी, ठीक है। तो जिसको लेना है अपने नीड्स के हिसाब से लो गाड़ी, और मैंने आपको बता दिया जैसे इसकी परफॉर्मेंस सारी चीज़ थी। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। भाई बताना अगली वीडियो आप किस पे चाहिए, तब तक के लिए भाई सारे बने रहो चैनल पे और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।